सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज दोपहर 12 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में एक साथ 7 महीने का जो पैसा है वो ज्योतिर्मय जी हैं प्रयागराज से जिनके खाते में आया है, और ये उरुवा जो क्षेत्र पड़ता है प्रयागराज में वहाँ से आते हैं। 7 महीने का PLI 7,000 रुपये, 3,500 रुपये, 500 रुपये, इतना पैसा कल इनके वहां पर आया है जिसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। पिछले 2 वीडियो में आपने देखा होगा कई बहनों के जो पैसे आए थे वो तीन तीन महीने का, किसी का 2 महीने का, इस तरह से भी PLI आया था। एक जगह का आपने देखा था 5 महीने का भी PLI आया था, और अभी देख रहे हैं प्रयागराज के उरवा में ज्योतिर्मय जी का 7 महीने का भी PLI आया है। तो PLI को लेकर काफी बहनें कहती हैं हमारे यहां पर इस बार नहीं आया, उस बार नहीं आया, तो उसका मतलब होता है कि आपके वहां PLI विभाग ने जनरेट नहीं किया, और यही कारण है कहीं कहीं का इकट्ठा PLI जब आता है तो एक साथ कई कई महीनों का भी आता है। अब आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। रीता जी हैं जौनपुर से आती हैं, उनके वहां से जो मैसेज आए हैं 1,500 1,500, जैसा कि 1 महीने का पूरा PLI प्लस मानदेय। वहीं बात करें, नीलू जी हैं फरुखाबाद से, उन्होंने लिखा कि फरुखाबाद से हूं, मेरा 5 महीने से PLI नहीं आया और पिछले महीने का 4,500 रुपया भी नहीं आया, क्या कारण है आप बताने का कष्ट करें। तो ये जो कारण है वो पर्टिकुलर एक एक बहन के, मैं या कोई और नहीं बता सकता, ये आप बहनें जब स्वयं अपने विभाग से पूछेंगी तो आपका वो चेक करके बताएंगे कि क्यों नहीं आया, क्यों, आखिर क्या वजह रही कि आपका पिछले 5 महीनों का PLI नहीं आया। आपने काम किया है, PLI जनरेट नहीं किया विभाग ने, तो विभागीय अधिकारी बताएंगे। अगर बाकी लोगों को मिला आपको नहीं मिला, यानी आपका काम छूटा रहा इस वजह से नहीं बनाया, तो भी वही बताएंगे, इसकी जानकारी बताएंगे कुल मिलाकर के आपके जनपद के DPO ही ना। ये कोई न्यूज चैनल वाला या कोई और थोड़ी बता पाएगा कि आपका क्यों जनरेट नहीं हुआ। तो ऐसे मामलों में मैं एक बार नहीं 100 बार कह चुका हूं बहनों, अगर PLI से रिलेटेड कोई दिक्कतें हैं तो विभागीय अधिकारी से आप संपर्क करें, वही बता पाएंगे। मुन्नी जी हैं सीतापुर से, उन्होंने अपने वहां से 1,250 जो आए हैं उसके बारे में ये स्क्रीनशॉट भेजा है। उर्मिला बहन बहराइच से, इनके वहां 1,500 आया था, उन्होंने भी अपने वहां से मैसेज भेजा है। अब बात करते हैं एक अगली जानकारी की, आगरा जनपद से ये जानकारी है, सुनीता बहन ने भेजी है। अखबार में एक आर्टिकल आया है, कैबिनेट मंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्र व THR प्लांट में व्यवस्थाओं को देखा है, निरीक्षण करती कैबिनेट मंत्री का एक फोटो भी आप देख रहे हैं, बेबी रानी मौर्य हैं जो कि निरीक्षण कर रही हैं। प्लांट पर निर्मित हो रहे पुष्टाहार की गुणवत्ता को भी देखा है और आंगनबाड़ी केंद्र पर महिलाओं और बच्चों से इस बारे में बात भी किया है। तो आइए देखते हैं अखबार ने क्या प्रकाशित किया। बरौली अहीर क्षेत्र पड़ता है, वहां का मामला है। शुक्रवार को शाम आगरा दौरे पर पहुंची महिला कल्याण और बाल विकास पुष्टाहार विभाग की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी ने शनिवार को ब्लॉक बरौली अहीर के अंतर्गत गाँव लोधई के THR प्लांट और आंगनबाड़ी केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया है। आशा स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित पहल फूड माइक्रो इंटरप्राइजेज और THR प्लांट का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री ने प्लांट पर निर्मित हो रहे पुष्टाहार की गुणवत्ता को भी परखा। बच्चों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित प्रीमिक्स पाउडर को पैकेट को कैबिनेट मंत्री ने खुलवा करके खुद चखा है। पंजीरी में मीठा कम होने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। खुले में पड़े गेहूं को हाथ में लेकर के देखा तो दंग रह गई, गेहूं बेहद घटिया किस्म का मिला। कैबिनेट मंत्री ने मौके पर मौजूद DPO अधीश मिश्रा को लताड़ लगाते हुए कहा कि प्लांट पर निर्मित होने वाले पुष्टाहार की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। कैबिनेट मंत्री गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंची, इस दौरान केंद्र पर मौजूद गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों से संवाद भी किया। विभाग की ओर से मिलने वाली सुविधाओं के बाबत उनके पूछने पर सकारात्मक जवाब भी मिला। प्री प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों के शिक्षण का स्तर जानते हुए बच्चों से कविताएं भी सुनी। तो कुल मिलाकर जिस आंगनबाड़ी सेंटर पर गई वहां के जो लाभार्थी जो बच्चे रहे उनसे जो संवाद हुआ तो वो ठीक रहा, सकारात्मक रहा, यानी किसी भी तरह की शिकायतें कार्यकर्ता को लेकर के क्षेत्र से नहीं गई। तो कार्यकर्ता अपना काम अच्छे से कर रही है, लेकिन ऊपर के जो जिम्मेदार हैं THR निर्माण वाले वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, और उसमें लगे निगरानी में जो अधिकारी हैं वो अगर होते तो ये खराब किस्म का गेहूं और ये चीजें, यानी गुणवत्ता में कमियां वहां पर ना मिलती।
वहीं आगे चलते हैं और बताना चाहेंगे शमशाबाद ब्लॉक पड़ता है आगरा का, जहां से सुनीता बहन आती हैं जिन्होंने प्रसारण के लिए भेजा था। अब बात करते हैं पोषण महीने की। आज 1 सितंबर है और आज से पोषण महीने का शुभारंभ हो गया है। 30 तारीख तक ये पूरा महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, जिसको लेकर के एक कैलेंडर है और ये कैलेंडर राजस्थान राज्य से है। तो ऐसे में ध्यान से सुनिएगा जो राजस्थान की बहनें हैं और यूपी की बहनों, आपके लिए हम शाम के वीडियो में कैलेंडर पूरा दिखाएंगे पोषण महीने से रिलेटेड। वहीं बात करें इसकी, तो इसमें क्या है, इसमें दिया गया है 2 सितंबर यानी कल खून की कमी यानी एनीमिया जांच होगी, उसकी उपचार होगा, बातचीत उस पर होगी। प्रथम सप्ताह पूरा इससे रिलेटेड रहेगा। 1 से 4 सितंबर तक ये सब चीजों को लेकर के चर्चाएं होंगी, जिसमें प्रस्तावित गतिविधियां भी दर्शाई गई हैं, राष्ट्रीय पोषण माह का उद्घाटन और साइकिल रैलियां, वॉक, प्रभात फेरी, बच्चों, किशोर और जो है आयु की जो अन्य महिलाएं हैं उनमें एनीमिया जांच शिविर के भी आयोजन होंगे। साथ ही एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आदिवासी क्षेत्र में एनीमिया शिविर ये सब लगाए जाएंगे। स्वच्छता से रिलेटेड भी जागरूकता फैलाई जाएगी, यही सब बातें लिखी गई हैं। तो इस संबंधित विवरण भी आया है कि कैसे क्या सब होगा, एनीमिया जांच को लेकर के भी सब दे दिया गया है, उपचार को लेकर के भी, और बातचीत के लिए जागरूकता कैसे हो वो सब दर्शाया गया। वहीं बात करें 3 सितंबर की, तो 3 सितंबर में स्वयं सहायता समूह आदि से संबंधित एनीमिया पर जागरूकता गतिविधियां होंगी। वहीं इसके बाद क्या है, और यहां पर 4 सितंबर आयुष विशेषज्ञों द्वारा एनीमिया पर जागरूकता की जाएगी। साथ ही फिर 5 सितंबर को क्या है, फिर यहां पर बच्चों की वृद्धि निगरानी सत्यापन और वृद्धि निगरानी को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता सत्र चलेंगे। और ये पूरा ध्यान रखना, वृद्धि निगरानी और मातृत्व लाभ को लेकर के 5 से 7 सितंबर तक मनाया जाएगा। 6 सितंबर में शहरी, ग्रामीण, आदिवासी और स्लम एरिया, इन सब में वृद्धि निगरानी, ड्राइव यानी स्वास्थ्य बालक स्पर्धा, ये सब चीजें वहां पर होंगी सैम मैम की स्क्रीनिंग को लेकर के। वहीं बात करें सैम बच्चों की स्क्रीनिंग के बाद में बच्चों का सामुदायिक प्रबंधन कार्यक्रम भी होगा। वहीं बात करें 7 सितंबर की, तो PMMVY में लाभार्थी का सत्यापन भी होगा, राज्य की मातृत्व पोषण योजना में लाभार्थी का सत्यापन पंजीकरण वगैरह भी कराया जाएगा। वहीं बात करें फिर जो है यहां पर आगे चलें हम, 8 सितंबर रविवार है, 9 सितंबर को पूरक आहार से रिलेटेड रहेगा, तो वो 8 से 11 पूरा रहेगा पूरक आहार, तो 8 से और उसके 8 को तो रविवार है, उसके बाद 9 को क्या होगा, पूरक आहार को लेकर के गतिविधियां होंगी। 6 महीने की उम्र में सुरक्षित, पर्याप्त और उचित पूरक खाद्य पदार्थ, ये सब बातों में चर्चाएं की जाएंगी। साथ ही जो स्थानीय खाद्य व्यंजन से तैयार चीजें होंगी वो सब उसको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही मिलेट्स पर भी ध्यान दिया जाएगा और जो जो है खाद्य प्रणाली है, निबंधन, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला प्रतियोगिताएं भी इन चीजों पर आधारित जो है की जाएंगी। 10 सितंबर को क्या होगा, यहां पर स्तनपान को लेकर के बढ़ावा दिया जाएगा। फिर यहां पर 11 सितंबर को क्या होगा, आंगनबाड़ी में ECC लर्निंग कॉर्नर को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही फिर 12 सितंबर को खिलौना आधारित, खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। माता पिता के लिए भी खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा के लिए प्रदर्शन टाइप से होंगे। साथ ही फिर पोषण भी, पढ़ाई भी चलेगा 12 से 14। तो 13 को क्या होगा, 13 को यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ में देसी खिलौनों का निर्माण कार्यशाला का काम होगा। लक्षित आयु के बच्चे, आंगनबाड़ी, ओलंपिक जो खेल, इनमें थीम पर खेल दिवस उनके मनाए जाएंगे, यही सब बातें होंगी। 14 सितंबर को क्या होगा, योजना के अनुसार जो है अन्य चीजें वहां पर कराई जाएंगी, जैसे पोषण ट्रैकर पर केंद्रों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर के चर्चाएं। 16 सितंबर को पोषण ट्रैकर पर मोबाइल नंबर अपडेट करवाना, ये लाभार्थियों के, वो सब चीजें भी होंगी। बेहतर जो है शासन के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेगा 16 से 18 तारीख का पूरा कार्यक्रम। वहीं फिर बात करें हम 19 की, तो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड रहेगा ये वाला तृतीय सप्ताह 16 से 18 के बीच में। एक पेड़ माँ के नाम लगाया जाएगा 19 को। 20 को क्या होगा, आंगनबाड़ी पर किचन गार्डन यानी पोषण वाटिका की स्थापना से रिलेटेड रहेगा। 21 सितंबर को क्या रहेगा, पर्यावरण संरक्षण पर समुदाय के लोगों में भागीदारी पर परामर्श दिए जाएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद चलेगा पोषण को जो है प्रभावित करने वाले जो क्षेत्र हैं वो चतुर्थ सप्ताह 22 से 24 तक इसमें चलेगा, जिसमें 22 को तो संडे है, 23 को जल संरक्षण समुदाय, जो सामुदायिक जल निकाय हैं जैसे झील, तालाब, कुएं, पानी की टंकी, इनकी साफ सफाई पर भी ध्यान होगा। साथ ही फिर 24 सितंबर को क्या है, बच्चों के लिए दस्त प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाएगा और ORS वगैरह, जिंक कॉर्नर, वो सब स्थापित किए जाएंगे। 25 सितंबर को पारंपरिक खाद्य पदार्थ, बाजरे पर आधारित जो व्यंजन है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही फिर 25 सितंबर को
स्वास्थ्य आहार प्रथाओं से रिलेटेड रहेगा, क्षेत्रीय और मौसमी चीजों को लेकर के जागरूकता बढ़ाई जाएगी। 26 सितंबर को क्या है, अन्न प्राशन दिवस वगैरह होगा ये सब, और स्थानीय जो आहार प्रथाओं पर आधारित रहेगा चतुर्थ सप्ताह 22 से 24 के बीच में। ये तो आपने देख ही लिया, 27 फिर 28 टीकाकरण वगैरह सब होगा, और उसके बाद 29 को रविवार है, 30 को लास्ट में पोषण माह का 30 को समापन भी होगा। इस तरह से चीज़ें हैं। तो आंगनबाड़ी बहनें जो राजस्थान की हैं उनके वहाँ इस कैलेंडर के अनुसार चीज़ें अब चलेंगी। अनीता बहन थी राजस्थान से जिन्होंने प्रसारण के लिए भेजा था। वहीं हम आपको दोपहर शाम के लिए जो वीडियो ला रहे हैं उसमें कुछ अलग तरीके से कैलेंडर रहेगा। यूपी की बहनों के लिए ये कैलेंडर नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, उनके लिए शाम को कैलेंडर लाएंगे, उनका अलग हिसाब से पूरा प्रोग्राम है, उसको देख लेना।